हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है फूड किचन लैब में। और आज हम लोग बनाने वाले हैं कस्टर्ड आइसक्रीम, वो भी बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ। तो आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए एक हैवी बॉटम कढ़ाई मैंने ली हुई है और इसमें हम लोग डालेंगे लगभग 2.5 कप दूध। यहाँ पे दूध को मैंने बॉयल नहीं किया है, तो आप चाहे तो बॉयल मिल्क भी ले सकते हैं। और इसको अब हमको अच्छे से बॉयल करना है, तो इसको बीच बीच में चलाते हुए हम लोग अच्छे से बॉयल कर लेंगे। तो ये देखिए, दूध अब बॉयल हो गया है। तो अब यहाँ पे हम लोग गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देते हैं और करीब 4 से 5 मिनट हम लोग को इसको स्लो फ्लेम पे अच्छे से पकाना है। तो जब तक दूध पक रहा है, हम लोग इसमें डालेंगे कस्टर्ड पाउडर, उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1/4 कप दूध लिया है और इसमें हम लोग डालेंगे 3 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पे मैं वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी और फ्लेवर का भी कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको डालने के बाद हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि दूध और जो कस्टर्ड पाउडर है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए, इस तरीके से हमको इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब इसको साइड में रख देते हैं और 4 से 5 मिनट हो गए हैं, दूध भी अब हमारा अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम लोग जो हम लोग ने कस्टर्ड पाउडर का बेस तैयार किया है उसको अब हम लोग डाल देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कस्टर्ड पाउडर को इसको हम लोग जब भी हम लोग दूध में डालेंगे तो एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो कस्टर्ड पाउडर होता है वो बेस में बैठ जाता है और फिर थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो जैसे ही हम लोग इसको डालेंगे, तुरंत लगातार हम लोग इसको कंटिन्यूस चलाते जाएंगे। और यहाँ पे जो गैस की फ्लेम है वो मैंने मीडियम कर ली है, मीडियम फ्लेम पे हम लोग इसको कंटिन्यूस चलाएंगे, नहीं तो जो कस्टर्ड पाउडर है बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है और बेस को पकड़ लेता है। इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूस चलाना इसको ज़रूरी है। और उसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे चीनी। यहाँ पे लगभग मैंने 3/4 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आप और ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो और थोड़ा सा चीनी डाल सकते हैं, कम मीठा पसंद कर सकते हैं तो चीनी की क्वांटिटी आप लोग कम कर सकते हैं। तो जैसे ही आप चीनी डालेंगे, आप देखेंगे कि जो ये आपका मिल्क बेस है ये थोड़ा सा पतला हो गया है। तो अब इसको हम लोग थोड़ी देर और पका लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो देखिए, थोड़ी देर और हमने इसको पका लिया है। अब इसको गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और ठंडा होने पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये थिक कंसिस्टेंसी का हो गया है। तो यही कंसिस्टेंसी का हमको चाहिए। अब इसको एक हम लोग बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसको हमको फ्रिज में लगभग 1 से 2 घंटा ठंडा होने के लिए रखना है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। ध्यान रखिएगा, फ्रिज में रखना है, इसको फ्रीज़र में नहीं रखना है, क्योंकि हमको बस इसको ठंडा करना, इसको हम लोग को जमाना नहीं है। इसलिए फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए हम इसको रख देते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल लेंगे और उसमें हम लोग डालेंगे व्हिप क्रीम। यहाँ पे मैं व्हिप क्रीम यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास व्हिप क्रीम नहीं है तो जो मार्केट में फ्रेश क्रीम आती है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बस फ्रेश क्रीम को इस्तेमाल करने से पहले उसको थोड़ा देर फ्रिज में रख दीजिएगा और उसको यूज़ करते समय जो उसका ऊपर का पार्ट है सिर्फ वही यूज़ करिएगा, और जो नीचे उसका पानी आ जाता है उसको बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करिएगा। तो ये देखिए, इसको हम लोग ने अच्छे से बीट कर लिया है। इसको बीट करते समय हमको इसकी सॉफ्ट पीक चाहिए है, जिस तरीके से हम लोग केक में आइसिंग करते हैं उस तरह का हार्ड इसको मत करिएगा। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट पीक है। अब जो हम लोग ने कस्टर्ड बेस भी फ्रिज में रखा था वो भी अब बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो उसको हम लोग एक बार स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको हम लोग डाल देते हैं जो क्रीम हम लोग ने व्हिप की है उसमें डाल देते हैं इसको हम लोग। तो ये अब हम लोग ने इसमें डाल दिया है। अब इसको हमको अच्छे से चलाना है, तो वही बीटर की हेल्प से या हैंड विस्क की हेल्प से भी हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। और यहाँ पे थोड़ा सा कलरिंग के लिए मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर डालूँगी, क्योंकि येलो कलर मेरा ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग ऑरेंज कलर डाल देते हैं, और कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो इसको मत डालिए। तो ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई हैं। मैं इसी बाउल में जमा रही हूँ फ्रिज में, आप चाहे तो बाउल को चेंज भी कर सकते हैं। बस इसके ऊपर हम लोग लगाते हैं एक सेलोफिन पेपर, और सेलोफिन पेपर लगाते समय इस बात का ध्यान रखिएगा
कि उसको बिल्कुल जो आइसक्रीम बेस है, आइसक्रीम है जहाँ पे, उससे इसको बिल्कुल सरफेस टच कर दीजिएगा, जिससे जो आपकी आइसक्रीम है उसमें आइस क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं जमेंगे। तो इस तरीके से इसको सरफेस टच करके लगाइएगा। और इसके ऊपर अब हम लोग लगा देते हैं ढक्कन, ताकि ये बिल्कुल भी इसमें एयर बबल्स नहीं आए। इसको अब ओवरनाइट फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं। आइसक्रीम अब अच्छे से सेट हो गई है, तो जो ये सेलोफिन पेपर है उसको अब हम लोग निकाल देते हैं। और जब भी आइसक्रीम को आप स्कूप आउट करते हैं तो लगभग 30 सेकेंड से उसके लिए उसको बाहर छोड़ दीजिएगा, उसके बाद वो आराम से आपकी स्कूप आउट हो जाएगी। तो ये देखिए कितने अच्छे से आइसक्रीम निकल रही है, ये बहुत ही आसानी से निकल रही है, मुझे बिल्कुल भी इसको निकालने में मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल मार्केट जैसी आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। तो जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि कितने आराम से ये निकल रही है, बिल्कुल भी इसको निकालने में मेहनत नहीं लग रही है। तो इस तरीके से आप भी कस्टर्ड आइसक्रीम अपने घर में बना सकते हैं। कस्टर्ड के बहुत सारे फ्लेवर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, कोई भी फ्लेवर यूज़ करके आप लोग आइसक्रीम बनाइए, आइसक्रीम आपकी इतनी ही सॉफ्ट और इतनी ही टेस्टी बनके तैयार होगी। और इसके बाद इसको हम लोग गार्निश कर देते हैं थोड़े से कटे हुए बादाम पिस्ता के साथ, और इसके साथ हम लोग ऊपर से डाल देते थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। ये सब चीज़ें बिल्कुल ऑप्शनल हैं, आप चाहे तो जब आप आइसक्रीम बना रहे हैं उस समय भी आप ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस लॉकडाउन में आप लोग ये आइसक्रीम अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, डेफिनेटली आपको और आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो तब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।